वियना के प्रत्येक सेकेंडरी स्कूल में लगाई गई आईसीटी लैब, जिसमें 10 कंप्यूटर और एक बड़ी एलसीडी लगाई गई है, जिसके माध्यम से कक्षा छठी से लेकर कक्षा बारहवीं तक के छात्र और छात्राएं इसके माध्यम से कंप्यूटर चलाना सीखेंगे। सभी छात्र छात्राओं को औद्योगिक तकनीकी से जोड़ा जाएगा। कंप्यूटर चलाना सीखने के लिए सरकार के द्वारा जहां जहां स्कूलों में यह लैब लगाई गई है, वहां पर अतिथि कंप्यूटर टीचर भी रखे गए हैं, जिससे छात्र छात्राओं को चलाने में किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो और भी कोई सरकार से संबंधित या लैब से संबंधित कोई सार्वजनिक जानकारी छात्र छात्राओं को समझाने के लिए उसी रूप में एक बड़ी स्क्रीन की स्मार्ट टीवी लगाई गई है, जिसके माध्यम से टीचर सभी छात्र छात्राओं को सूचना प्रौद्योगिक तकनीकी द्वारा कंप्यूटर चलाना सिखाएंगे। सूचना प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला, इसमें शासन की ओर से हमारे विद्यालय को भी चुना गया है। ऐसे आज सेकेंडरी कई स्कूल है जहाँ पर ये लैब आई है। इसमें कौन कौन से बच्चों को लाभ मिलेगा सर? इसमें हमारे कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के सभी बच्चे ये जो है कंप्यूटर की शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित जो आधुनिक तकनीक है उसकी जानकारी और ज्ञान प्राप्त करेंगे। इसके लिए एक अतिथि शिक्षक की भी व्यवस्था शासन के निर्देशानुसार की जाएगी, जो नियमित आकर के बच्चों को शिक्षा देगा। इसमें सर कोई सी डिग्री रहेगी या नहीं? सारे बच्चे जो 6 से लेकर के 8 तक के बच्चे हैं, कोई भी बच्चा यहाँ आकर के सीख सकेगा। डिग्री वाला कोई मसला नहीं है। मेन बात है कि बच्चों को आधुनिक ज्ञान तकनीक से जोड़ा जाएगा इसके बाद। ठीक है सर। ये बड़ी एलसीडी लगी हुई है सर इसका? ये जो है स्मार्ट टीवी है, इसके माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाएगा